अभी एक साल भी नहीं हुआ था दोनों की शादी को कि दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात पर। जरा सी अनबन हुई और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। वैसे दोनों बराबर पढ़े लिखे, दोनों अपनी नौकरी में व्यस्त, तो दोनों को ईगो भी बराबर। वहीं पहले मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों झुकूं। 3 दिन हो गए थे पर दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। कल सुधा ने ब्रेकफास्ट में पोहे बनाई, पोहे में मिर्च बहुत ज्यादा हो गई। सुधा ने चखा नहीं तो उसे पता भी नहीं चला और मोहन ने भी नाराजगी की वजह से बिना कुछ कहे पूरा नाश्ता किया पर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अधिक तीखे की वजह से सर्दी में भी वह पसीने से भींग गया। बाद में जब सुधा ने ब्रेकफास्ट किया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बार उसे लगा कि मोहन से सॉरी बोलना चाहिए उसे, लेकिन फिर उसे अपनी फ्रेंड की सीख याद आ गई कि अगर तुम पहले झुकी तो फिर हमेशा तुम्हें ही झुकना पड़ेगा, और वह चुप रह गई। हालांकि उसे अंदर ही अंदर अपराध बोध हो रहा था। अगले दिन संडे था तो मोहन की नींद देर से खुली, घड़ी देखी तो 9 बज गए थे। उसने सुधा की साइड देखा, वह अभी तक सो रही थी। वह तो रोज जल्दी उठकर योगा करती है, मोहन ने सोचा, खैर मुझे क्या। उसने किचन में जाकर अपने लिए नींबू पानी बनाया और नीच पेपर लेकर बैठ गया। 10 बजे तक जब सुधा नहीं जगी तब मोहन को चिंता हुई। कुछ हिचकते हुए वह उसके पास गया। सुधा, 10 बज गए हैं, अब तो जागो। कोई जवाब नहीं। 2-3 बार बुलाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह परेशान हो गया। उसने सुधा का ब्लैंकेट हटाकर उसके चेहरे पर थपथपाया। उसे तो बुखार था। वह जल्दी से अदरक की चाय बनाकर लाया, सुधा को अपने हाथों का सहारा देकर बैठाया और पीठ के पीछे तकिया लगा दिया और उसे चाय दी। कोई दिक्कत तो नहीं कप पकड़ने में, क्या मैं पिला दूं? मोहन के कहने के अंदाज में इतना प्यार था कि ये सुधा फीवर में भी महसूस कर रही थी। मैं पी लूंगी, उसने कहा। मोहन भी बेड पर ही बैठकर चाय पीने लगा। इसके बाद तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। सुधा चाय पीते पीते भी उसे ही देख रही थी। कितना परेशान लग रहा था, कितनी परवाह है मोहन को मेरी। कहीं से भी नहीं लग रहा कि 3 दिन से हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, और मैं इसे छोड़कर मायके जाने की सोच रही थी। कितनी गलत थी मैं। क्या हुआ, मोहन ने उसे परेशान देखकर पूछा। सिर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, आओ मैं सहला दूं। नहीं मोहन, मैं ठीक हूँ, एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, मोहन ने सहज भाव से कहा। इतने दिन से मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही थी और उस दिन ब्रेकफास्ट में मिर्च भी बहुत ज़्यादा थी। तुम बहुत परेशान हुए, फिर भी तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो, मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो क्यों? हाँ परेशान तो मैं बहुत हूँ, तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं। और रही मेरी तुम्हारे झगड़े की बात, तो जब जिंदगी भर साथ रहना ही है तो कभी कभी बहस भी होगी, झगड़े भी होंगे, रूठना मनाना भी होगा। 2 बर्तन जहाँ हैं वहाँ कुछ ना कुछ खटपट तो होगी ही, समझी कि नहीं मेरी जीवन संगनी? सही कह रहे हो, कहते हुए सुधा मोहन के गले लग गई। मन ही मन उसने अपने आप से वादा किया कि अब कभी मेरे और मोहन के बीच अहंकार नहीं आने दूंगी।